नेता जिन्हें मिलता था खून से लिखा लव लेटर, ऐसी दीवानी थी लड़कियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक अभिनेता जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं, इन्होंने ऐसा स्टारडम देखा है जो शायद ही किसी अभिनेता ने देखा है। इनके फीमेल फैंस इन्हें खून से खत लिखकर प्यार का इजहार किया करती थी। इनके एक फिल्म देखने के लिए लाखों की लाइन लगती थी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिनेता राजेश खन्ना। दोस्तों, आज इंडस्ट्री के इस मेगा स्टार की पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना भले ही दुनिया को 18 जुलाई 2012 को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनका स्टारडम आज तक बरकरार है उनकी कभी न भुलाई जाने वाली फिल्मों और सदाबहार गानों के जरिए। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे जाते थे। यहाँ आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले राजेश खन्ना का नाम जतिन खन्ना था। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। उस दौर में एक कहावत थी, ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार जहाँ रुकती थी लड़कियाँ उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। उस दौर की मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना की कार की धूल से लड़कियाँ मांग भरा करती थी। उसके पास खून से लिखे खत आते थे और उनके फोटो से लड़कियां शादी करती थी। स्ट्रगल के दिनों में भी राजेश खन्ना इतनी महंगी कार में निर्माताओं से मिले जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।